निःशक्त जन के लिए जिस तरह से दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, उसी तरह महिला बाल विकास की एक पहल में मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी है। अब विधवा महिलाओं के लिए कल्याणी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस जी। मैडम, कब पहल की थी और कब घोषणा हुई? कल 1:30 बजे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के मंच पर कि अगर देश में प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और निःशक्त जनों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग केवल प्रारंभ नहीं किया बल्कि नीचे तक वो पहुंच गया और समाज ने उस वक्त उसको स्वीकार करा उसी भाव से जिस भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया। हम ये इनिशिएटिव ले कि जो किसी ना किसी कारण से ईश्वर की योजना से परिस्थिति से बहनें ग्रस्त जीवन में अकेली हो गई, अपने पति को उन्होंने खो दिया, उनके लिए हम शब्द प्रयोग विधवा का ना करें, उनके लिए कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें जिसमें उन्हें अपने अंदर की जो गुण है, जो क्षमताएं हैं, जो मानव जीवन उनको पास उनका समय जो है उसका वह बेहतर उपयोग कर सके, अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, इस बात की कुंठा उनमें ना आए कि मैं अब जीवन में अकेली रह गई हूँ, क्योंकि जो अकेली रह गई है उसके ऊपर जवाबदारी और बढ़ गई है, उससे अपनी ताकत का एहसास हो, उसको ये लगे मैं अकेली नहीं हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। 1:30 बजे कहा मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने, घंटों भी नहीं लगाए इसमें और शाम को 7:30 बजे उन्होंने ये घोषणा कर दी एक चैनल के कार्यक्रम में कि अब से इस शब्द का प्रयोग मध्य प्रदेश में नहीं होगा और सारी योजनाओं में जहाँ शब्द प्रयोग होता है हम शब्द प्रयोग करेंगे कल्याणी, क्योंकि अब जो समय उस बहन के पास शेष है जब वो ग्रस्त के तौर पर अधूरी है वो अब समय लगाएगी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ जग का संसार का कल्याण करने में। सैकड़ों बहनों के दिल का भार मुख्यमंत्री जी ने हल्का कर दिया है। तो निश्चित तौर पर महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सैकड़ों महिलाओं का भार कम कर दिया और उन्हें मजबूती प्रदान की है। कैमरामैन अनवर के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।